का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती है। धन्यवाद। और भाई हमारे वरिष्ठ अतिथि देवेंद्र सिंह सरपंच साहब हमारे बीच में, सर एक बार स्टेज पर आए। देवेंद्र सिंह सरपंच साहब बधराना से, जिला परिषद के भावी उम्मीदवार। देवेंद्र सिंह भाई साहब आप स्टेज पर आए, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। और भाई बधराना गांव की पंचायत के सरपंच भी रह चुके हैं पूर्व में, और अब जिला पार्षद के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 14 से, वो हमारे बीच में पहुंचा। हो जी और भाई ग्राउंड नंबर 2 पर है, बिल्कुल दोनों टीमें तैयार हैं। हेलो 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 पर ये टूर्नामेंट लाइव दिखाया जा रहा है, और देसी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर भी ये टूर्नामेंट लाइव दिखाया जा रहा है। दो चैनलों पर लाइव दिखाने का कार्य कर रहे हैं। भाई अगले मैच के लिए जुलाना और छाजूराम अकेडमी, जो कि अलवर स्टेडियम के नाम से टीम है जुलाना, उसका मैच छाजूराम अकेडमी के साथ है। दोनों टीमें तैयार हो जाएं। और भाई टाकड़ी की तरफ से अभी इस समय रेड पर रब्बू, खेलो इंडिया में आपने इस खिलाड़ी को देखा होगा, हरियाणा की टीम में था ये खिलाड़ी रब्बू। और भाई एक पॉइंट अर्जित किया, स्कोर हुआ 9-9। दोनों ही टीमों का स्कोर बिल्कुल बराबरी पर है। हरियाणा और टाकड़ी के बीच में जो मैच है, बिल्कुल दोनों का स्कोर। हेलो, ये लॉन्ग जंप और हाई जंप और बुड्ढों की रेस करा दी है, तो रेफरी यहाँ पर लेके आए हैं जीतने वाले विजेता को। भाई लॉन्ग जंप हाई जंप और बुजुर्गों की रेस का जो भी रिजल्ट है उसका स्टेज पर पहुंचाए। और अब इस समय अक्षर रेड पर ग्राउंड नंबर 2 पर बहुत ही भारी भरकम खिलाड़ी आर्मी के कोर्ट पर, भाई अगले मैच के लिए जुलाना वर्षी छाजूराम अकेडमी भिवानी, साई सोनीपत वर्सेज राजदीप सेंटर दिल्ली, चारों टीमें तैयार हो जाएं। और भाई गिरिराज ने इस टूर्नामेंट में अब तक 5 कैच लगाई, हाई फाइव पूरा कर लिया टिहाड़ा के टीम के खिलाफ। और मोहित इस समय रेड पर, गिरिराज जो कि टाकड़ी से है और टाकड़ी के नाम से ये टीम इस समय खेल रही है। Yes,
हसन कुमार को सब के पास कबड्डी की शिक्षा ले रहा है इस समय गिरिराज, निश्चित ही आपको बड़े टूर्नामेंटों में नजर आएगा। और इस समय एसवीएम महम की स्कूल के टीम का हिस्सा बना टाकड़ी के नाम से इस टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा दिखाता हुआ। ग्यारह नौ का स्कोर, थर्ड रेड रब्बू इस समय थर्ड रेड पर। हेलो हेलो जी, लाश ही ठानी पड़ा है रब्बू इस समय रेड पर और सुपर टैकल ऑन। दस बारह का स्कोर, दस पॉइंट तिहारा और बारह पॉइंट टाकड़ी ग्राउंड नंबर एक पर। हेलो हेलो अंदर से फिल्टर आ रहा है। साहिबानों ने भंडारे में प्रसाद ले लिया है, उनसे निवेदन है कृपया करके व्यायामशाला में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करें, धन्यवाद। ऑल आउट थ्री पॉइंट टाकड़ी, सोलह ग्यारह का स्कोर। अरे भाई पीछे पीछे चलो, बता दिए तीन ही दिए, अलग अलग मत करो। हेलो सोलह चौदह का स्कोर, माइक चल रहा है।
हेलो, एक और पॉइंट अर्जित किया कांकड़ी की टीम ने। 3 पॉइंटों की लीड अब हो चुकी है। हेलो, ये बावल थाने से थानेदार साहब श्री होशियार सिंह जी, हेड कांस्टेबल श्री विष्णु जांगिर जी, हेड कांस्टेबल श्री महिपाल चौधरी जी पधारे हैं अपनी टीम के साथ। मेला कमेटी और छत्तीस बिरादरी ग्राम काकड़ी उनके यहाँ पधारने पर तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती है। धन्यवाद थानेदार साहब श्री होशियार सिंह जी। कर रहे हैं भाई, जुलाना वर्षी छाजुराम की वाणी जल्दी पहुंचे भाई। और इस मैच के बाद भाई, छात्राम की वाणी ग्राउंड पे पहुंचे और चुनाना स्टेडियम भाई, जुलाना की टीम जल्दी ग्राउंड पे पहुंचे, जो कि अलवर स्टेडियम के नाम से थी। जुलाना की टीम जल्दी पहुंचे। भाई, छाजूराम अकेडमी जिला भिवानी आ चुकी है यहाँ पे। भिवानी में छाजूराम अकेडमी है समीर को साहब की, जिनके बड़े भाई रामबीर गणगेश जी प्रो कबड्डी के सुपरस्टार कोचों में आते हैं। सबसे ज्यादा पटना पायरेट्स टीम को गोल्ड मेडल जिताने का काम किया है अपनी कोचिंग करते वक्त, उन्हीं की अकेडमी है। जुलाना की टीम जुलाना लास्ट कॉल आपके लिए, आप ग्राउंड पे पहुंचे।
उससे अगला मैच साई सोनीपत और राजदीप सेंटर, मोनी हतवारा और टागड़ी भी, ये लास्ट मैच है फर्स्ट राउंड के, उसके बाद कुश्तिया और फिर कुश्तियों के बाद कबड्डी। डिसाइड रेड ग्रीन आर्मी की तरफ से डिसाइड रेड, चार खिलाड़ियों का डिफेंस और लीजिए साथियों सेक्ट्री, अच्छा खिलाड़ी है पांच नंबर जर्सी का, बहुत ही अच्छी डिफेंस में अच्छा काम करता अपनी टीम के लिए और पॉइंट अर्जित किया। 15-23 का स्कोर, एरी का स्कोर 15 और ग्रीन आर्मी का स्कोर 23। डिसाइड रेड करते हुए और एक और पॉइंट अर्जित किया भारतीय थल सेना ने, ग्रीन आर्मी ने। भाई एक मिनट का समय अलवर स्टेडियम टीम, एक मिनट का समय, हेलो ये ध्यान दें साहिबान, अभी इसके बाद एक एक मैच कबड्डी का और होगा, उसके बाद कुश्ती के प्लेयर तैयार रहे, उसके बाद कुश्ती होगी, कुश्ती के बाद में दोबारा फिर कबड्डी का मैच आरंभ होगा, इसके बाद एक एक मैच कबड्डी का और होगा, उसके बाद कुश्ती होगी और कुश्ती के बाद दोबारा फिर कबड्डी का मैच आरंभ होगा। धन्यवाद। करवाओ जी, लेकिन नहीं करते भाई, क्या कर रहे यार, कौन साहब है, भाई ग्राउंड नंबर 2 पर जो अगला मैच होगा वो पाई कैथल वर्सेस लीला राम अकेडमी आदमपुर, ग्राउंड नंबर 2 का जो अगला मैच है पाई कैथल वर्सेस लीला राम अकेडमी आदमपुर, ग्राउंड नंबर 2 पर तैयार है और ग्राउंड नंबर 1 का जो अगला मैच है मोनी हतवाला टागड़ी भी, मोनी हतवाला टागड़ी भी, उसके बाद कुश्तियां होंगी, फिर कुश्तियों की समाप्ति के बाद अगले राउंड के मैच होंगे। भाई बहस न करें, ले लिया, उड़ के बड़ा बात जरूर करें।
दो चेंज करा उन्हें साइड में कर दो कुछ चेंज करा उन साइड में कर दो आया